शासन के निर्देश पर लगाए गए कोरोना आंशिक कर्फ्यू का मिला जुला असर गुरुवार को भी देखने को मिला। महानगर के इंद्रबाल विहार, हरिओम नगर, कचहरी बस स्टैंड, शास्त्री चौक, जीडीए टावर रोड पर सन्नाटा देखने को मिला, लेकिन कई जगहों पर वाहनों का आवागमन जारी रहा। इसके अलावा रात्रि में भी पुलिस कर्फ्यू का पालन कराते नजर आई, जिसके संबंध में एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा कि कर्फ्यू का पालन कराने के लिए महानगर में 41 जगहों पर बैरिकेडिंग की गई है। जो लोग अनावश्यक घर से बाहर निकल रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा रही है तथा 188 के तहत मुकदमे भी लिखे जा रहे हैं। एसपी सिटी सोनम कुमार ने सभी मुस्लिम भाइयों को ईद की बधाई देते हुए कहा कि सभी लोग अपने घरों में नमाज अदा करें और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी सोनम कुमार ने कहा, ये देखिए 41 जगह बैरिकेडिंग हो रही, चेकिंग की जा रही है, बल्लियाँ जो है लगाई हुई हैं सब जगह, और जो लोग अनावश्यक बाहर निकल रहे हैं उन पर कार्रवाई भी की जा रही है। मास्क का चलान किया जा रहा है, 188 का मुकदमा लिखा जा रहा है उन दुकानदारों के विरुद्ध जो अलाउड नहीं है फिर भी अपनी दुकानें खोल रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो ईद का कल त्यौहार है, इसलिए लोगों से सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएँ सबको, बट ये भी गुजारिश है कि सब लोग अपने घरों में नमाज पढ़ें ताकि बिना इस संक्रमण को फैलाए हम इस त्यौहार को अच्छे से मना सकें। सर जनता से क्या, जनता से ये अपील है कि अपने घरों में रहें, मास्क सैनिटाइजर का प्रयोग करें, जो मुसलमान भाई हैं वो घरों में ही नमाज अदा करें और अपने आप को भी संक्रमण से बचाएं और अपने आसपास वालों में भी संक्रमण फैलने से रोकें।